रुक जाइए, ये उचित नहीं होगा। अपने अशुभ पग लेकर आप माता के भवन के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। प्रतीत होता है इनके दम ने इनकी दृष्टि बाधित कर दी है, जो इन्होंने यहाँ कैलाश में अपना पग रखने की सोची। निश्चित ही इनका अंत अब समीप है। विनाश होगा इस दुष्ट का, सर्वनाश होगा। दंभासुर करेगा अब कैलाश का निर्माण। अब हमारे कैलाश लौटने और इस पावन स्थान से जाने का समय आ गया है उमा। माँ के साथ पुनः कैलाश लौटना सबसे सुखमय क्षण होगा। भूदेवी महादेव तो ये तमा डाल देना होगा। आज से इस पुण्य स्थान का नाम होगा एकाम्रम, अर्थात आम का वो वृक्ष जिसकी छाया में पार्वती ने अपना कठोर तप सार्थक किया, जहां हमारा पुनर्मिलन हुआ। मेरे और उमा के विवाह के इस शुभ दिवस और इस पावन स्थान का महत्व काल कालांतर तक स्थापित रहेगा। यहां स्थित जिस शिवलिंग की उपासना कर उमा ने मुझे प्रसन्न किया, वो भविष्य में एकाम्रेश्वर शिवलिंग के नाम से प्रतिष्ठित होगा। इस रूप में मैं यहां इस तीर्थ स्थल पर अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। महादेव ने यहाँ स्वयं को एकाम्बरेश्वर नाम से स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो मैं आप सभी से भी यहाँ विद्यमान होने का अनुरोध करती हूँ। माता पार्वती, प्रभु महादेव, यह हमारा सौभाग्य जो आपने अपने इस दिव्य विवाह का हमें साक्षी बनने का अवसर दिया और इस पावन स्थान पर हमें आपके साथ स्थापित होने का अवसर देकर आपने हम पर पुनः कृपा की। इसलिए जो भी भक्त अपने मन में पूरी भक्ति के साथ यहां आएगा, उसे आपके साथ साथ हमारी भी कृपा की वर्षा प्रदान होगी।
तो ये है वो स्थान जहां महादेव विराजते हैं। अब ये मेरी मुट्ठी में होगा। महादेव बहुत विराज लिया आपने यहाँ, अब मेरी बारी है। अब कैलाश पर मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार। अब भगवान के इस निवास पर वास होगा हम असुरों का, और आज से हम होंगे यहाँ के भगवान, जो करेगा अपने असुर साम्राज्य का विस्तार इसी कैलाश से। कैलाश राज दंबासुर जी की, कैलाश अधिपति दंबासुर जी की, महान दंबासुर दंबासुर जी की। मैं यहां वरदराज रूप में स्थापित रहूंगा और अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी इच्छा पूर्ण करूंगा। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, तुम दोनों का भी स्थान पर स्थित होना अनिवार्य है। यहाँ पुत्र कार्तिकेय का मंदिर कुमार कोट्टम के नाम से जाना जाएगा। अब एकांबरेश्वर मंदिर पूर्ण रूप से स्थापित हुआ। नहीं माँ, कुछ अति विशेष भी अभी शेष है। माँ, हम सभी के यहाँ होने का कारण आप ही हैं। आपके घोर तप से ही ये संभव हो पाया, इसीलिए आपके प्रतिष्ठित हुए बिना ये मंदिर अपूर्ण ही रहेगा। उचित कह रहा है गणेश उमा, तुम्हारी उपस्थिति के बिना यह दिव्य स्थान अपनी पूर्णता से वंचित रह जाएगा, इसलिए तुम्हारी दिव्यता का यहां स्थित होना अति आवश्यक है। उमा, तुम्हारा ये भव्य मंदिर कांची कामाक्षी के नाम से विख्यात होगा। और हम सभी यहां आंशिक रूप से विद्यमान रहेंगे, और यह स्थान एक पवित्र तीर्थ के रूप में जाना जाएगा। वैसे इस स्थान से एक और भी कथा जुड़ी है जिसका महत्व स्वयं सर्वोपरि है। यह स्थान पार्वती का शक्ति पीठ तो पूर्व काल से ही है। माँ का शक्ति पीठ अर्थात पिताश्री, इसके पीछे भी एक लंबी कथा है। पुत्र, क्या तुम वो कथा सुनना चाहोगे? जी पिताश्री, कहिए ना। इसका संबंध तुम्हारी माँ के अतीत से है। तुम्हारी माँ देवी पार्वती पूर्व काल में प्रजापति दक्ष की पुत्री देवी सती के रूप में जन्मी थी। देवी सती ने कठोर तप कर मुझे प्रसन्न किया। इस प्रेम और त्याग से अभिभूत होकर हमने फिर विवाह करने का निश्चय किया, किंतु सती के पिता प्रजापति दक्ष पूर्व से ही मेरे वैराग्य और असांसारिक जीवन के विरुद्ध थे, किंतु इसके पश्चात भी मैं और देवी सती विवाह के सूत्र में बंध गए। प्रजापति दक्ष पूर्व से ही हमसे अप्रसन्न तो थे ही। एक दिन
आकस्मिक एक घटना ने हमारे जीवन को ही परिवर्तित करके रख दिया। ये प्रसंग उस दिवस का है पुत्र, जब देवी सती कैलाश के उपवन में विचरण कर रही थी। किसके रथ की ध्वनि है? इतनी भोर में इंद्रदेव और सूर्यदेव अपनी पत्नियों के साथ कहाँ जा रहे हैं? संभव है उनका भ्रमण करने का मन कर गया होगा। देवी रोहिणी ने मुझे देखकर भी अनदेखा क्यों कर दिया? सभी देवता, यक्ष, गंधर्व एक ही दिशा में कहाँ जा रहे हैं? नंदी जी, आज कहीं कोई भव्य उत्सव का आयोजन हो रहा है क्या, जहाँ सभी जा रहे हैं? सत्य कहूं भी तो कैसे माता, पर असत्य आपसे कह नहीं सकता। माता, आपके पिताजी महाराज तक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है। ये सभी वहां आमंत्रित हैं और अतिथि बनकर वहीं जा रहे हैं। पिताश्री ने महायज्ञ का आयोजन किया है? फिर तो महादेव और मुझे भी अवश्य निमंत्रण दिया होगा, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? माता, आपको किसी ने इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि क्योंकि आपके और महादेव के लिए वहां से निमंत्रण नहीं आया है। हाँ तो ये भी उचित है, पिताश्री को अपनी पुत्री को बुलाने के लिए निमंत्रण भेजने की क्या आवश्यकता है? पिताश्री के महायज्ञ में जाना तो पुत्री का कर्तव्य होता है। मुझे महादेव से बात करनी होगी, हमें शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। माता, माता सुनिए, माता। स्वामी, नाथ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, हमें वहां जाना चाहिए। नहीं सती, बिना निमंत्रण कहीं भी जाना अहित को आमंत्रण देना है। तुम्हारे पिता मेरे विरोधी हैं, इसलिए उनका जामाता होने पर भी उन्होंने हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा, और जहां आपका स्वागत ना हो वहां जाना उचित है उमा, और उचित यही है कि वह अपना यज्ञ शांतिपूर्वक कर सके। मेरे पिता का निवास मेरा निवास है, वहाँ जाने के लिए निमंत्रण की आस लगाना अनुचित अनावश्यक है। स्वामी, पिताश्री के यज्ञ में सभी उपस्थित होंगे, उस विशाल सभा में सभी से भेंट करने का अवसर प्राप्त करने का आनंद आएगा, इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है आप भी चलिए वहाँ। सती, जो बिना बुलाए कहीं जाते हैं वो अनादर के पात्र बनते हैं, ऐसा अनादर जो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है। अनादर कैसा स्वामी, अपने पिताश्री की सभी संतानों में उन्हें सर्वाधिक प्रिय मैं ही हूँ, आप उन्हें बिना समझे हटकर आए, क्या संभव है आप आमंत्रण नहीं प्राप्त होने को अपना अनादर समझ बैठे हैं? सती, तुम्हारा पति हूँ मैं, और तुम्हें समझाना मेरा कर्तव्य है कि यदि यज्ञ में वो हमारी उपस्थिति नहीं चाहते हैं तो हमें तुम्हारे पिता की इच्छा का मान रखना चाहिए। मेरे पिता की इच्छा स्वामी? हाँ सती,
हमें वहां देखकर उनका क्रोध जागृत होगा और क्रोध से उनका यज्ञ असफल होगा। स्वामी, संभव है उन्होंने हमें निमंत्रण इसीलिए नहीं भेजा कि उन्हें ज्ञात है आप उनसे कितनी घृणा करते हैं। इसके विपरीत तुम्हारे पिता को ही मैं सदैव अप्रिय रहा, किंतु फिर भी तुमने मुझसे विवाह किया। जिस विवाह को स्वीकार करने के लिए ब्रह्मदेव ने उन्हें विवश किया, इस बात से वो आज तक व्यथित हैं, जिसके कारण वो मात्र मुझसे ही नहीं, वो तुमसे भी क्रोधित हैं। आप दोनों के परस्पर मतभेद का प्रभाव मैं स्वयं पर नहीं ले सकती। चलिए प्रभु, हमें जाना चाहिए। सती, इच्छा जब हट का रूप ले लेती है तो उसका परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। हट मैं नहीं आप कर रहे हैं स्वामी, पुत्री का पिता के यहाँ जाना विनाशकारी कदापि नहीं हो सकता। मैं आपसे निवेदन करती हूँ नाथ, यदि और कोई कारण नहीं है तो मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही वहाँ चलिए। सती, यदि तुम जाने का निर्णय ले ही चुकी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु इसके बाद भी मैं कदापि तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अभी आप ही ने कहा कि हट उचित नहीं, और अब आप ही अपने हट पर अडिग है। उचित है फिर, मैं आपकी पत्नी अवश्य हूं, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूं, इसीलिए मैं वहां अवश्य जाऊंगी। दुख तो इस बात का कि विवाह के उपरांत प्रथम बार मैं वहां अकेले ही जाने के लिए विवश हूं। जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु नंदी और अन्य गणों को अपने साथ लेके जाना। एक बार पुनः विचार कर लीजिए प्रभु। अपने किए पर विचार करने पर विवश तो तुम होंगी सती, वहां जो भी हो अपना संयम मत खोना। आपके संशय का कारण मैं समझ ही नहीं पा रही। वहां कुछ भी अनुचित घटेगा, इसकी तनिक भी संभावना नहीं है नाथ। मैं पिताश्री, माँ और बहनों से भेंट करने के लिए अधीर हो रही। आप यही प्रतीक्षा कीजिए, मैं भीतर जाती हूं। सती के यहाँ आने से कोई अनिष्ट न घटित हो जाए। ये सभी मेरी अवहेलना क्यों कर रहे हैं? माँ, सती, पुत्री तुम यहाँ? माँ के मुख पर अचानक चिंता की रेखाएं क्यों उभर आईं? पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री ने मेरी ओर देखकर अपनी दृष्टि क्यों घुमा ली? पिताश्री के मुख पर आई इस दुखद भाव से प्रतीत होता है कि अवश्य ही वहां कोई अप्रिय घटना घटी होगी। व्यक्ति को अपने स्वाभिमान की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।